भाई जान कमाल बटर चिकन बना है, बोला नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फूड विद साथ राजा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया कि हम बनाने वाले हैं आज बटर चिकन। बटर चिकन दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली रेसिपीज में से एक रेसिपी है। लोगों को यही लगता है कि ये रॉकेट साइंस और बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आप मेरी रेसिपी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसान लगेगी और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। ओरिजिनली बटर चिकन जो बना था वो चिकन टिक्का से बना था। एक टोमेटो ग्रेवी बनाई गई थी बटर के साथ और उसमें चिकन टिक्का जो पहले का पड़ा हुआ था उसको डाला गया था। आज हम आपको पहले तो चिकन की मैरिनेशन बताएंगे कि आपने इसको चिकन टिक्का मैरिनेट कैसे करना है, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चिकन से और इसको मैरिनेट करते हैं आपके लिए। एक किलो बोनलेस चिकन को हम थिक स्लाइसेस में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। मैरिनेशन के लिए एक बोल में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और आखिर में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही का। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद हम उसको कोयले का दम देंगे। एक कोयला थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर चला लेंगे, जब वो गर्म हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इससे एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाएगा हमारे मैरिनेशन के अंदर। हमने अपने चिकन को मैरिनेट कर लिया और उसके बाद हमने मैरिनेशन जब उसकी रेडी हो गई उसके ऊपर हमने एक कोयले को गर्म करके उसके ऊपर ऑयल डाल दिया ताकि एक दम दे दें हम उसका स्मोक का। आपको एक फील आएगी कि ये बारबेक्यू चिकन बन रहा है। अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ, वो भी बहुत आसान है, जुड़े रहिए। ग्रेवी बनाने के लिए हम एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून जीरा। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए डाल देंगे। प्याज को हल्का सा पका लेंगे जब तक वो लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि इसमें बहुत अच्छा रंग ऐड करेगी। उसके साथ 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 बड़ी डंडी दालचीनी की और 3 से 4 इलायची। साथ हम शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जवे और 1 इंच कटा हुआ अदरक का पीस। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम इसमें 800 ग्राम टमाटर ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन के लिए हमने 800 ग्राम टमाटर इस्तेमाल किए हैं। थोड़ी देर इसको पका लेंगे जब तक ये सारी चीज़ें नरम ना पड़ जाएं। उसके बाद फिर शामिल करेंगे हम 150 ग्राम मक्खन। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 50 ग्राम काजू। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसाला हमारा कच्चा ना रह जाए। बटर चिकन की ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसे हम थोड़ी देर के लिए अब ठंडा होने के लिए रखेंगे। बाद में जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसकी पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर के अंदर। आप चाहें तो आप कोई भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। हमने जिस तरह के अभी आपके सामने फ्रेश चिकन बनाया है, अगर आपके पास चिकन टिक्का ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारी करी जो है वो ठंडी हो रही है हम अपना चिकन कुक कर लेते हैं। आप चाहें तो आप चिकन को बेक कर सकते हैं, हम इसको फ्राइंग पैन के ऊपर भी कुक कर लेंगे। आइए चिकन को कुक करते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हम अपने चिकन को इस पैन में पका लेंगे जब तक इसके ऊपर हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए।
चिकन हमारा कुक हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो ग्रेवी हमने पहले बटर चिकन के लिए बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है, उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसकी एक पेस्ट बना लेंगे और वो पेस्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे पैन के अंदर। याद रखिए कि आपने जब भी पेस्ट को पैन में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उससे पहले उसको सीव कर लें, छानी से उसको पुन लें ताकि उसमें कोई भी छिलका टमाटर का या किसी भी और चीज़ का कुछ छिलका या बड़ा पीस आ गया तो वो उससे निकल जाए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और उसके बाद अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम एक पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, उसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि इस ग्रेवी को बहुत अच्छा रंग देगी। इसके बाद अपनी ग्रेवी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कुक हुआ चिकन भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम मक्खन जो कि इसकी रिचनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। हाफ टी स्पून चीनी ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे हाफ कप क्रीम जो कि इस ग्रेवी को बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर देगी। आखिर में हम हाफ टी स्पून कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे जो कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू देगी। हमारा बटर चिकन अब रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। भाई जान कमाल बटर चिकन बने, बोला नहीं जा रहा। अगर आप लोग भी यही बटर चिकन अपने घर में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।